नमस्कार, मैं हूं कविता। भले ही यमन एक छोटा सा गरीब देश हो, लेकिन उसने सऊदी अरब की नाक में दम कर रखा है। इन दिनों अरब देश ने यमन के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, जिसका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि खुद सऊदी अरब कर रहा है। क्योंकि सऊदी का दक्षिणी प्रांत नजरान यमन की सीमा से जाकर मिलता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जो सऊदी अरब अपने पैसों के बलबूते पर सब कुछ खरीद सकता है, आखिर उसकी सेना इतनी कमजोर क्यों है? आखिर क्यों सऊदी अरब को पाकिस्तान और अमेरिका के सहारे रहना पड़ता है? सऊदी अरब के पीठ पीछे लोग क्यों कहते हैं कि सऊदी अरब धनवान तो है लेकिन बलवान नहीं? तो जनाब, हम आपको बताते हैं कि धनवान सऊदी की फिसड्डी सेना का क्या राज है। सऊदी अरब में बेशुमार कच्चे तेल के कुएं हैं, जिसके चलते वो दुनिया भर के देशों को तेल निर्यात करता है और भारी रकम कमाता है। अब अगर सऊदी की सेना की बात करें तो सऊदी की सेना दुनिया के तमाम अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। यूरोफाइटर टाइफून से लेकर अमेरिकी F-15 ईगल्स और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। बहुत बड़ी सेना उनके पास है। यहाँ तक कि सऊदी दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार है जो अपनी रक्षा में मोटी रकम खर्च करता है। लेकिन इन सब के बावजूद सऊदी को कमजोर माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि मुल्क के हुक्मरानों ने सेना तो बहुत बड़ी बना ली है, लेकिन गुणवत्ता का ध्यान कभी नहीं दिया। अत्याधुनिक हथियारों से तो लैस है, लेकिन उसे चलाने के लिए जवानों को सही प्रशिक्षण नहीं दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब के पीछे क्या वजह रही होगी। तो आपको ये भी बता दें कि सऊदी के शाही परिवार को हमेशा से ये डर रहा है कि कहीं मजबूत सेना उनका तख्ता पलट ना कर दे, जिसका पाकिस्तान से लेकर तुर्की बड़ा उदाहरण है। विशेषज्ञों की माने तो यमन के खिलाफ छिड़े युद्ध में अब तक सऊदी ने सिर्फ हवाई हमले का ही सहारा लिया है। वह जमीन पर अपने जवानों को इसलिए नहीं उतारता है क्योंकि जमीन पर लड़ने के लिए उसके सैनिकों के पास ना ही ज्यादा अनुभव है और ना ही ट्रेनिंग। और शायद यही वजह है कि धनवान सऊदी अरब को कमजोर समझा जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए हमारे साथ।